बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत के दो साल 18 अगस्त को मुकम्मल हो चुके हैं और ये दो साल पाकिस्तान की बदकिस्मती से तबाही और बर्बादी के साल हैं। हमारी जो इकॉनमी है उसकी नोज डाइव है, मईशत बुरी तरह तबाह हुई है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में मौजूद नहीं है। इस हुकूमत ने जमहूरी अकदार का गला घूंटा है। ये जबर इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी की हुक्मरानी है पाकिस्तान पर। लोगों की गुरबत में इजाफ़ा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी ख़त गुरबत से नीचे जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हुए हैं। यानी पावर्टी भी बढ़ी है और लॉलेसनेस भी बढ़ी है और नाइंसाफ़ी का तो मत पूछें। इंसाफ का जो हसूल है वो महाल हो गया है। एक ही एजेंडा है गवर्नमेंट का और वो एजेंडा है कि अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाओ, उन पर इल्ज़ाम लगाओ और काम कोई नहीं करना। तो आप देख लें कि इतना बड़ा मुल्क एक न्यूक्लियर पार क्या इस रवैये से चल सकता है। ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है कि ये जाल फैलाया जाएगा और पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़ेंगे। ये वक्त है कि पाकिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम ज़रूरी हो और बजाय कि हम खुलफशार और इंतशार का शिकार हों, इख्तलाफात भी रहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन कौमी एजेंडे पर एक हो। लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम और इरादा नहीं है, वो सिर्फ़ अपने मुखालफीन को कुचलना चाहते हैं और मुझे डर है कि उनकी ये जो कुचलने की ड्राइव है अपने मुखालफीन को, ये पाकिस्तान में जो फैब्रिक है यकजहती का उसको पूरी तरह कुचल डालेगी और इंतशार बढ़ेगा इस मुल्क में अगर मौजूदा हुकूमत की यही पॉलिसी रही तो और यही रवैया रहा। देखिए मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत खुद तो कुछ भी नहीं कर रही, वो अपने करने के काम भी दूसरों पर डाल देते हैं। जो सिविल हुकूमत होती है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये कोई जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर रहे। तो जब आपकी हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाएगी, दफ्तर खारजा डिसफंक्शनल होगा और अदारों का आपने हुलिया ख़राब किया होगा, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि आप किसी से जाके कोई बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।